हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राघव। द नॉलेज मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सुपरस्टार की कौन सी मूवी फ्लॉप हुई, मूवी का बजट कितना है और कलेक्शन कितने का हुआ था। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में पहली मूवी है जीरो मूवी, जिसके लीड रोल में शाहरुख खान सर नज़र आए थे। इस मूवी का जो बजट था वो 200 करोड़ रुपए का था और यह मूवी केवल 186 करोड़ ही का ही बिजनेस कर पाई थी। तो दोस्तों, यह मूवी शाहरुख सर के करियर की फ्लॉप मूवीज़ की लिस्ट में से एक है। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी है फैन, जिसके लीड रोल में शाहरुख सर नज़र आए थे। इस मूवी का जो बजट था वो 105 करोड़ रुपए का था और यह मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर केवल 84 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई थी। तो दोस्तों, इसी तरह यह मूवी भी शाहरुख सर के करियर की फ्लॉप मूवियों की लिस्ट में शामिल हो गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी है शाहरुख सर की तीसरी फिल्म है, जिसे हम बोलते हैं जब हैरी मेट सेजल। इस मूवी का जो बजट था वो 85 करोड़ का था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर केवल 75 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई थी। तो दोस्तों, इसी तरह यह मूवी भी शाहरुख सर के कैरियर की फ्लॉप मूवियों में से एक थी। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लीड रोल में आमिर खान नज़र आए थे और अमिताभ बच्चन भी नज़र आए थे। इस मूवी का टोटल बजट था 325 करोड़ रुपए, लेकिन यह मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर केवल 151 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई थी। इसी तरह यह मूवी भी शाहरुख सर के कैरियर की फ्लॉप मूवीज़ में से एक थी। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी है पानीपत, जिसके लीड रोल में नज़र आए थे संजय दत्त और अर्जुन कपूर। इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ रुपए का था, लेकिन यह मूवी केवल 50 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई थी। इसी तरह यह फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी है फिरंगी, जिसके लीड रोल में नज़र आए थे कपिल शर्मा। इस मूवी का जो बजट था वो 35 करोड़ रुपए का था और केवल 11 करोड़ का ही कलेक्शन ये बॉक्स ऑफिस पर कर पाई थी। इसी तरह यह मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, लिस्ट में नेक्स्ट मूवी है मोहनजोदारो, जिसके लीड रोल में थे ऋतिक सर। इस मूवी का जो बजट था वो 120 करोड़ का था और यह मूवी केवल 107 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई थी। इसी तरह यह मूवी शाहरुख सर के करियर की फ्लॉप मूवीज़ की लिस्ट में से एक है। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी की बात करते हैं तो यह मूवी है भूमि, जो कि संजय दत्त स्टारर मूवी है। इस मूवी का जो बजट था वो 16 करोड़ रुपए का था, लेकिन यह मूवी केवल बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई थी। इसी तरह यह संजय सर की फ्लॉप मूवीज़ की लिस्ट में शामिल हो गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट मूवी है जग्गा जासूस, जिसके लीड रोल में रणवीर कपूर नज़र आए थे। इस मूवी का जो बजट था वो 131 करोड़ रुपए का था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर केवल 83.35 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई थी। इसी तरह यह रणवीर कपूर के करियर की फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नेक्स्ट मूवी है कलंक, जिसके लीड रोल में नज़र आए थे वरुण धवन और संजय दत्त। इस मूवी का जो बजट था वो 150 करोड़ रुपए का था और यह मूवी केवल 80 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई थी। इसी तरह यह वरुण धवन के करियर की फ्लॉप मूवीज़ की लिस्ट में शामिल हो गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट मूवी है इस लिस्ट में द स्काई इज पिंक, जिसके लीड रोल में प्रियंका चोपड़ा नज़र आई थी। इस मूवी का बजट था 35 करोड़ रुपए और यह मूवी केवल 20 करोड़ का ही कमाई कर पाई थी, जो कि प्रियंका चोपड़ा की करियर की एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों, इसी तरह बॉलीवुड के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।